आज सुबह देश ने ये देखा कि किस प्रकार से भारत सरकार की एजेंसियां देश के नागरिकों की गैर कानूनी और असंवैधानिक तौर से जासूसी कर रही है और इस सारे षड्यंत्रकारी जासूसी कांड का तरीका बड़ा सिंपल है और वो है इजरायली एजेंसी एनएसओ के स्पाई सॉफ्टवेयर पिगेसस को जजेस, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, दलित और दूसरे एक्टिविस्ट, वकीलों और एकेडमिशियंस के फोन में गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर डालकर उनके पूरे फोन को हैक कर लेना। जो ये स्पाईवेयर है पिगेसस, अब ये साफ हो गया है कि ये केवल व्हाट्सएप कॉल को ही हैक नहीं करता बल्कि सेल फोन के कैमरे और माइक्रोफोन दोनों को हैक कर लेता है और टेलीफोन के चारों तरफ जो भी वार्तालाप हो रहा है उसकी फोटो और उसका वार्तालाप, उन दोनों को भारत सरकार की एजेंसियां सुन सकती हैं। ये जासूसी कांड केवल यहीं तक समाप्त नहीं होता, इसके साथ साथ इस पिगेसस स्पाईवेयर के माध्यम से टेलीफोन के सारे मैसेजेस, टेलीफोन पर किया गया सारा वार्तालाप, टेलीफोन के सारे पासवर्ड, टेलीफोन में लिखे गई सारी हर बात और टेलीफोन के अंदर जो कैलेंडर इत्यादि हैं, जिस व्यक्ति के फोन को भारत सरकार की एजेंसी ने इस स्पाईवेयर के माध्यम से हैक किया है, उनकी इन सब बातों की जानकारी भी भारत सरकार की एजेंसियां गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी कर रही है। फेसबुक, जिसने ये मुकदमा अमेरिका में किया है इजरायली कंपनी के खिलाफ, उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि 1400 लोगों के टेलीफोन्स को इस प्रकार से हैक किया गया है जिसमें से अधिकतर हिंदुस्तानी हैं। असल में ये संख्या बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि फेसबुक भी ये मानता है कि वो 1400 आइडेंटिफाई कर पाए हैं, पर इनकी संख्या शायद कई हजारों में भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूरी तरह से एक रहस्यमयी चुप्पी इस पूरे मामले पर साध रखी है। पत्रकार साथियों ने जो ईमेल से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी से या फिर आईटी सचिव से, उन्होंने कोई टेलीफोन का जवाब नहीं दिया और किसी ईमेल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आखिर में आज देर शाम, लगभग आधा घंटा पहले, श्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर यह कहा कि भारत सरकार व्हाट्सएप से पूछ रही है कि ये जासूसी हुई कैसे, ये तो ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जासूसी भारत सरकार की एजेंसियां कर रही हैं, वो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से, और भारत सरकार व्हाट्सएप से ये पूछ रही है कि जासूसी हुई कैसे। मैं देशवासियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार वही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निजता के अधिकार को, राइट टू प्रिवेसी को, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट निर्धारित करने की का विरोध किया था, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि इस देश के लोगों को, 125 करोड़ लोगों को निजता का, प्रिवेसी का कोई अधिकार नहीं। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। मैं देशवासियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार एक करोड़ों रूप सैकड़ों करोड़ों रुपए का जासूसी सर्विलेंस स्ट्रक्चर इस देश में स्थापित करना चाहती थी, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और अब अगल बगल झांकने की बजाय और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसकी बजाय, मोदी सरकार और श्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली है, वो साफ साफ केवल तीन सवालों का जवाब दें।
पहला सवाल, भारत सरकार की वो कौन सी एजेंसी है जिसने इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर पिगेसस को खरीदा है? सवाल दोबारा मैं दोहराता हूं, भारत सरकार की वो कौन सी एजेंसी है जिसने इजरायली कंपनी एनएसओ से स्पाई सॉफ्टवेयर पिगेसस को खरीदा है? दूसरा सवाल, इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की इजाजत अनुमति प्रधानमंत्री ने दी या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने? दोनों में से किसने दी, उनका नाम सरकार बताए। और तीसरा, उन सब लोगों ने जिन्होंने इस देश के जजेस की, इस देश के विपक्षी नेताओं की, इस देश के पत्रकारों की, इस देश के राजनीतिक एक्टिविस्ट्स की, इस देश के वकीलों और एकेडमिशियंस की जासूसी की है उनकी मर्जी के बगैर और एक गैर कानूनी असंवैधानिक स्पाईवेयर के माध्यम से, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है? रहस्यमयी चुप्पी की के आवरण में मोदी जी, आप और आपकी सरकार नहीं छुप सकते, आपको जवाब देना होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम देश की सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि वो स्वयं इस पूरे मामले का संज्ञान ले, क्योंकि ये सरकार द्वारा गैर कानूनी और संवैधानिक तौर से समेत जजेस के निजता के और इस देश के नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और इस पूरे मामले की एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। यस मैम, वी विल स्टार्ट विद यू। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, गवर्नमेंट एजेंसी भी सरकार ही है, और मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूं कि एनएसओ ने सार्वजनिक तौर से यह बयान दिया है कि उनका यह स्पाई सॉफ्टवेयर जो गैर कानूनी और असंवैधानिक जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो केवल सरकारों को बेचा जा सकता है, सरकार के विभाग और एजेंसी अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, जब भी इस प्रकार का स्पाईवेयर या जासूसी का पूरा हैक करने का, टेलीफोन हैक करने का जासूसी यंत्र और सॉफ्टवेयर बेचे जाएंगे तो उसके लिए दो में से एक व्यक्ति की अनुमति जरूरी है, या प्रधानमंत्री जी की या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। स्वाभाविक तौर से प्रधानमंत्री जी की अनुमति के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस पर भी सहमत हूं, इसलिए दोनों बातों में कोई असहमति नहीं। अब सरकार बताए, तीन सीधे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि भारत सरकार में कि किस एजेंसी के माध्यम से एनएसओ इजरायली एजेंसी से पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा गया। नंबर दो, क्या ये प्रधानमंत्री जी या एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में से किसकी अनुमति से खरीदा गया? और तीसरा, जिस गैर कानूनी और असंवैधानिक जासूसी सॉफ्टवेयर से इस देश के जजेस की, इस देश के विपक्ष के नेताओं की, इस देश के पत्रकारों की, इस देश के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की, वकील और एकेडमिशियंस की जासूसी हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। वी आर अर्जिंग द सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी टू बी ए फंडामेंटल राइट डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वॉश्ड द स्टेप्स बींग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप ए मल्टी करोड़ सर्विलेंस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नॉट ए केस ऑफ आइसोलेटेड स्पाईवेयर और स्पाइंग ऑफ वन इंडिविजुअल बट ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड जजेस। सो सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस एंड कंडक्ट ए कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इन टू दिस मैटर। जी बिल्कुल, ये संसद से सड़क तक, क्योंकि ये सरकार जासूसी के लिए पहले भी बदनाम रही है और वो भी गैर कानूनी तरीके से, इसलिए इस जासूसी कांड की पूरी जांच हो और इसके इसमें जो जो पक्ष जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदने और फिर इस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल
हर विपक्ष के नेता, जजेस और पत्रकारों और एकेडमिशियंस और वकीलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया गया है, उनका चेहरा उजागर होना चाहिए। धन्यवाद।